Hello students, today I am going to deliver 11th lecture of HOT 211 Production Technology for Vegetable and Spices. In this lecture, I will cover all cultural practices related to uh, watermelon cultivation, like soil, climate, seed rate, sowing time, uh, manuring, fertilizers, use of growth regulator, harvesting, maturity indices, yield, etc. Let's start this topic. वाटर जिसको हिंदी में तरबूज भी कह देते हो आप बोटनिकल नेम सिट्रुलस लेंटस इसका जो वानस्पतिक नाम होता है वो सिट्रुलस लेंटस होता है फैमिली कुकर बेटेसी कुकर बेटेसी जो कुल है उसका सदस्य है क्रोमोजोम नंबर टू एंड ट्वेंटी टू और ट्रॉपिकल अफ्रीका ठीक है कभी कभी ये इंडिया भी कह देते हैं इसको पर ट्रॉपिकल अफ्रीका ज़्यादातर देखने को लिखा हुआ मिलेगा आपको किताबों में इंपॉर्टेंट पॉइंट वाटर मेलन इज़ क्लाइमेट्रिक वेजिटेबल्स क्लाइमेट्रिक तुम सारे समझते हो ये कि ऐसे फल जिनको तोड़ने के बाद जिनकी रेस्पायरेशन रेट बढ़ जाती है मतलब उनको कच्ची अवस्था में तोड़ा जाता है फिर वो पक जाते हैं इसमें वाटरमेलन सब्जियों के अंदर वाटरमेलन मस्क मेलन और टमेटो आ जाते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट के अंदर या क्लाइमेट्रिक वेजिटेबल्स के अंदर ठीक है जिनको तोड़कर पकाया जाता है अब टमाटर है उसको कई बार लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना होता है तो उसको कच्चे अवस्था में तोड़ लिया जाता है और रस्ते में वो धीरे धीरे पकता रहता है ठीक है जिनकी जो रेस्पायरेशन रेट है वो तोड़ने के बाद बढ़ती है टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन वाटरमेलन इज सेरोटोनिन इसमें एक टॉक्सिक कह लो एक विशेला पदार्थ पाया जाता है सेरोटोनिन इसके अंदर ठीक है कुकरबिटेसिन तो एक पाया ही जाता है सभी के अंदर ही होता है जो कुकरबिटेसी फैमिली के हैं वो एक कड़वा कह लो जब बिटर प्रिंसिपल होता है ज्यादातर कुकरबिट्स के अंदर पाया जाता है पिगमेंट प्रजेंट इन वाटरमेलन इज एंथोसाइनिन एंड लाइकोपिन जो पिगमेंट होते हैं यानी कि कलर जिसके कारण

मतलब सबसे ये कह लो कि अच्छी वैरायटी है जिसको लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है और मल्टीपल डिजीज बहुत सी बीमारियां है जैसे पाउडर मिल है डाउनी मिल एंथ्रेक्नोज़ है इनसे ये रेजिस्टेंट वैरायटी है ठीक है वाइट हर्ट ए सेंट्रल पोजीशन शो पुअर क्वालिटी फ्रूट वाइट हर्ट होता है कि जो फल होता है फल के अंदर का जो फ्लैश रहता है जो गुद्दा रहता है वो वाइट कलर का होता है मतलब सेंटर से वो वाइट कलर का रह जाता है कच्चा रह जाता है तो इससे क्या होता है कि ये क्वालिटी जो फल की होती है वो प्रॉपर नहीं बन पाती कम क्वालिटी का फल रहता है जिन ये एक तरीके का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कह सकते हो इस चीज को ठीक है फिर अब फ्रूट कंटेन 95 परसेंट वाटर एंड 160 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ पोटेशियम जो फल होता है उसमें लगभग पचानवे प्रतिशत तक पानी होता है और उसमें 160 मिलीग्राम पर हंड्रेड ग्राम हिसाब से पोटेशियम भी पाया जाता है टी एस एस फ्रूट का लगभग आठ से तेरह परसेंट होता है टोटल सॉलिवल सॉलिड एरिया एंड प्रोडक्शन 2018 नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का जो लेटेस्ट डाटा है उसके हिसाब से जो सबसे ज़्यादा तरबूज का क्षेत्रफल है वेस्ट बंगाल के अंदर आता है जो सिक्सटीन पॉइंट सिक्स जीरो थाउजेंड हेक्टर है दूसरे नंबर पे यूपी का आता है उत्तर प्रदेश का थर्टीन पॉइंट सेवन फोर थाउजेंड हेक्टर तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है 11.02 पॉइंट जीरो टू परसेंट ठीक है इसके अलावा राजस्थान में टू पॉइंट जीरो वन थाउजेंड हेक्टर एरिया राजस्थान का भी है ठीक है और टोटल जो बात की जाए जो टोटल एरिया है वो वन हंड्रेड थाउजेंड हेक्टर है और 2017-18 का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा यूपी का है उत्तर प्रदेश का 619.65000 थाउजेंड मैट्रिक टन और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश थ्री हंड्रेड सिक्सटीन पॉइंट जीरो एट थाउजेंड मैट्रिक टन और तीसरे नंबर पे कर्नाटक आता है अगर टोटल इसके प्रोडक्शन की बात की जाए टू थाउजेंड सेवनटीन एटीन के वो है टू हंड्रेड सॉरी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी पॉइंट वन जीरो थाउजेंड मैट्रिक टन ठीक है ये लेटेस्ट डाटा है ठीक है इस जो अभी तक मिला हुआ है और एरिया इसका जो दिया हुआ है सारों का वो हजार हेक्टेयर में दिया हुआ है और प्रोडक्शन इसका हज़ार मैट्रिक टन में दिया हुआ है ठीक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आर्थिक महत्व द फ्रूट कंटेंट 95 परसेंट वाटर 0.2 परसेंट प्रोटीन 0.3 परसेंट मिनरल्स 3.3 परसेंट कार्बोहाइड्रेट एंड 160 मिलीग्राम पोटेशियम पर हंड्रेड ग्राम फ्रेश वेट ठीक है इट इज सोर्स ऑफ आयरन जो इसका ग्राम कोई बाहर का वजन का फल का टुकड़ा है उसमें पचानवे प्रतिशत पानी पाया जाता है जीरो पॉइंट दो परसेंट प्रोटीन होता है जीरो पॉइंट तीन परसेंट मिनरल होते हैं थ्री पॉइंट थ्री परसेंट उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और एक सौ साठ मिलीग्राम पोटेशियम होता है ठीक है और आयरन जो लो तत्व होता है भी उसमें भी भरपूर होता है द सीड कर्नर आल्सो यूज इन वेरियस स्वीट्स एंड अदर डिलीशियस जो इसका बीज की गिरी होती है उसका उपयोग मिठाइयों में किया जाता है ठीक है द अनराइप फ्रूट आर ए वेजिटेबल इन इंडिया जो इसका कच्चा फल होता है उसका उसको सब्जी के रूप में भी यूज किया जाता है भारत के कुछ भागों के अंदर और वैसे तो जो इसका पका हुआ फल होता है जूसी फल होती है उसको खाया जाता है पूरे इंडिया के अंदर ठीक है द फ्रूट इज यूज एज एन एक्सपेक्टोरेंट डायूरेटिक एंड स्टोमैचिक एंड इज एलर्जिक थ्रस्ट सॉरी अलाइन थ्रस्ट ठीक है जो इसका फल होता है वो ये कह लो कि आ, कफ नाशक होता है मूत्रवर्धक होता है और पेट के लिए अच्छा होता है या पेट से संबंधित जो बीमारी होती है उसके लिए अच्छा होता है इसके अलावा जो प्यास होती है उसको नाशक करने वाला होता है उसको मतलब प्यास नाशक होता है ठीक है प्यास ख़त्म करता है वाइटीज़ सबसे पहले है इंट्रोडक्शन से जो किस्में तैयार हुई हैं जैसे इम्प्रूव शिफ़र है न्यू हेमिशफियर मिडेट मिगेट है फुरेन है असाही जमातो शुगर बेबी जिसका टीएसएस लगभग 12 से 13% परसेंट तक होता है डिक्सी क्रीम जे इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी हैं ठीक है जो पहले बाहर उगाई जाती थी उसको ऐसा उठा के इंडिया के अंदर उगाया जा रहा है फिर है सिलेक्शन, दुर्गापुरा केसर ठीक है सिलेक्शन जो चुनाव से किस्में तैयार में है। दुर्गापुरा केसर इसकी येलो पल्प होती है ये याद रखना कि इसके जो अंदर का गुद्दा होता है वो पीले रंग का होता है ठीक है फिर है दुर्गापुरा मीठा पूसा रसाल ठीक है कुछ हाइब्रिड किस्में हैं जैसे मधुर मिलन अर्का आकाश अर्का ज्योति आई आई एच आर ट्वेंटी इंटू क्रिमसन स्वीट का है ये आई आई एच आर बेंगलोर से ही रिलीज है अर्का मानिक है आई आई एच आर इंटू क्रिमसन स्वीट ये भी आई आई एच आर बेंगलोर से ही रिलीज है ठीक है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर ठीक है पूसा बेदाना ये एक ट्राइप्लॉइड वेराइटी है ठीक है मतलब इसमें क्रोमोजोम नंबर जो 22 पाए जाते हैं इसमें ठीक है तो इसमें 33 पाए जाते हैं ट्राइप्लॉइड है जैसे 22 बेसिक क्रोमोजोम नंबर 11 होते हैं जो वाटरमेलन है उसके तो डिप्लॉइड क्रोमोजोम नंबर इसमें 22 है और अगर जो ट्राइप्लॉइड वैरायटी है उसमें तैतीस होंगे ठीक है नेक्स्ट है सॉरी इसमें कुछ किस्में और भी रह गई अदर वैरायटीज अर्का मुथू अर्का ऐश्वर्या स्पेशल नंबर वन अर्का मदुरा पी के एम वन क्रीमसम स्वीट ये इसकी कुछ और भी किस्में हैं तरबूज की ठीक है क्लाइमेट जनरली ए लॉन्ग पीरियड ऑफ वार्म प्रिफेबल ड्राई वेदर विद अबाउंड एंड सनशाइन इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्लेवर एंड हाई शुगर कंटेंट मतलब ये कह लो कि लंबा जो दिन की अवधि होती है वो चाहिए होती है वो भी गर्म ठीक है ज़्यादा गर्मी होगी और सूखा मौसम होगा तो इसके जो फल की क्वालिटी होगी वो ज़्यादा बनेगी मतलब उसमें मिठास भी ज़्यादा होगी और उसका जो कलर का अंदर लाइकोपिन और एंथोसाइन पिगमेंट है उसका डेवलपमेंट भी अच्छा होगा ठीक है और ये पाड़े को सहन नहीं कर सकता इसके लिए जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट ज़्यादा वैसे प्रेफर करता है ये और वैसे सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल दोनों क्लाइमेट में ये ग्रो होता है वैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर अगर ड्राई वेदर हो ये कह लो कि गर्मी एक जैसी सी पड़ती रहे और ठंड का मौसम ना आए तो ट्रॉपिकल ज़्यादातर इसकी जो कल्टिवेशन है वैसे ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा है तो इसके लिए जो सूटेबल टेम्परेचर है थर्टी फाइव से फोर्टी डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है ठीक है फ्रूट डेवलपमेंट के टाइम लगभग पैंतीस से चालीस डिग्री सेल्सियस तापमान रहना चाहिए और अगर बीज जर्मिनेट करवानी है तो 21 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान होना चाहिए कई बार क्या होता है कि अपने को अर्ली फसल लेनी होती है उस टाइम टेम्परेचर कम होता है तो इसको पॉलीथीन की थैलियों के अंदर बीज लगाकर उसकी पोत तैयार कर ली जाती है फिर मेन फील्ड में शिफ्ट कर दी जाती है जैसे ही टेम्परेचर सुटेबल सा होता है मतलब पहले सर्दियों के अंदर अपने क्लाइमेट कंट्रोल क्लाइमेट के अंदर बीज उगा लिए जर्मिनेट करवा लिए बेल तैयार हो गई उसको फिर मेन फील्ड में जब क्लाइमेट सुटेबल होगा तब मेन फील्ड में शिफ्ट कर देंगे ठीक है जिससे अर्ली जो ईल्ड होती है वो मिलती है नेक्स्ट है सोयल लाइटर सोयल दैट वार्म क्विकली इन स्प्रिंग वन यूजली यूज फॉर अर्ली ईल्ड जो हल्की मिट्टी होती है वो इसकी कल्टीवेशन के लिए उत्तम रहती है अगर अपने को अर्ली उपज लेनी है जहाँ अर्ली फसल अगेती फसल लेनी है जबकि जो भारी मिट्टी होती है उसमें क्या होता है कि फ्रूट का डेवलपमेंट थोड़ा धीरे होता है और लेट पकता है फल तो इसके लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी है वो है डीप सैंडी लोम गहरी भी होनी चाहिए मिट्टी और ब्लूई दोमट मिट्टी इसकी कल्टीवेशन के लिए उत्तम रहती है और इसके लिए पी एच से सात पीएच वाली मिट्टी कल्टीवेशन के लिए उत्तम रहती है इसकी सीजन इन यूपी एंड दिल्ली एरियाज जनवरी फरवरी मंथ आर प्रफर्ड फॉर सोइंग बट देयर शुड बी हाई टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ फ्रूट मैच्योरिटी एंड राइपनिंग विच इंक्रीज द स्वीटनेस जो यूपी और दिल्ली वाले एरिया है वहां पे इनकी जो सोइंग की जाती है वो जनवरी से फरवरी के अंदर की जाती है क्योंकि जैसे ही पौधा बड़ा होने लगता है या डेवलपमेंट वाली स्टेज पे होता है फल पकने वाला होता है उस टाइम वहां पे तापमान बहुत ज्यादा होता है ठीक है जो कि उसकी स्वीटनेस को बढ़ा देता है इन सेंट्रल इंडिया सोइंग इज डन फरवरी टू एंड ऑफ मार्च एंड फ्रॉम मिडल जुलाई मतलब इसको बरसाती फसल के रूप में भी जुलाई तक कल्टीवेट करते रहते हैं मतलब उगाते रहते हैं सोइंग चलती रहती है वैसे जो जनरल इसकी मध्य भारत के अंदर की जाती है वो फरवरी से लेकर मार्च के अंत तक की जाती है अगर अपने को रेनी फसल लेनी है तो जुलाई में भी कर सकते हैं आगे प्रिपरेशन ऑफ फील्ड लैंड शुड बी थ्रोली प्रिपेर टू तो गेट फाइन टिल्थ फॉर सीड जो उसकी खेत होता है उसकी अच्छी जुताई करके मिट्टी को बुरबुरा बना लेना चाहिए अच्छी टिल्थ बना लेनी चाहिए जो कि सीड बैड जो कि सीड बैड है उसकी ठीक है सीड रेट द रिकमेंडेड सीड रेट ऑफ वाटर मेलन इज़ टू पॉइंट फाइव टू थ्री पॉइंट फाइव के जी पर हेक्टर जो इसकी रिकमेंडेड डोज है वो ढाई से साढ़े तीन किलो केल, है पर कुछ जो किताबें हैं उनके अंदर ये Uh, साढ़े सात सौ ग्राम से लेकर डेढ़ किलो तक भी लिखा हुआ है और कुछ किताबों के अंदर ये पाँच किलो तक भी लिखी हुई है तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है वो पार्ट वाइज होती है कि आप उसको किस क्षेत्र में कल्टीवेट कर रहे हो किस मिट्टी में कल्टीवेट कर रहे हो ठीक है तो एक जो जर्नल सी एवरेज सी है वो ढाई से साढ़े तीन के जी पर हैक्टर है सोइंग द सीट्स में भी सोन इन ऑर्डनरी बैड्स और राइस बेड बोथ द साइड और इन द पिट्स इसकी जो सोइंग की जाती है एक तो फ्लैट बेड्स होती हैं जिसको आप जनरली बनाते हो उनके अंदर भी की जाती है और कुछ जो उठी हुई क्यारियों होती हैं उनके अंदर भी इसकी जो प्लांटिंग की जाती है उठी हुई क्यारियों में तो दोनों साइड लगाए जाते हैं बीज जो ऑर्डिनरी क्यारी होती है उसमें खड्डे खोद के बीज लगाए जाते हैं खड्डे खोद लिए जैसे बीच बीच में एक ख़ड़, खड्डा कर लिया उसमें इसमें तीन चार बीज डाल दिए फिर नेक्स्ट खड्डा खोद लिया और उसमें तीन चार और इसमें जो प्लांटिंग की जाती है वो ज़्यादातर स्क्वायर मेथड से की जाती है जो ऑर्डिनरी बेड्स होती हैं सिंपल फ्लैट बेड होती है उसमें स्क्वायर मेथड से करते हैं जिसमें जो पौधे से पौधे की दूरी और लाइन टू लाइन स्पेसिंग होती है वो लगभग थ्री मीटर के आसपास रखी जाती है ठीक है और जो दूसरी होती है अपनी बेड सी राइस बेड बनाते हैं उसके अंदर ज़्यादातर स्पेसिंग फोर इंटू वन मीटर की रखते हैं लगभग चार ले रखी जाती है एक लाइन से दूसरी लाइन की और एक पौधे से दूसरे कैन बी ग्रोन इन पॉलीथीन बैग्स ऑफ हंड्रेड टू टू हंड्रेड गेस एंड जर्मिनेट अंडर कवर टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम लो टेम्परेचर वही चीज़ जो मैंने पहले कहा था कि अगर कई बार अपने को अर्ली फसल लेनी होती है अगेती फसल लेनी होती है उस टाइम टेम्परेचर अनुकूल नहीं होता सुटेबल नहीं होता तो अपने क्या करते हैं उसका जो पौधे बीज होते हैं बीजों को पॉलीथीन की थैलियों के अंदर उगा कर, उसको प्रोटेक्टेड ये कह लो कि एक तरीके से पाड़े से बचाते हुए उगा लिया जाता है यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहे ठीक है सीट जर्मिनेट हो जाते हैं उसके बाद जब उसमें दो से तीन पत्तियां हैं, तो उसको मेन फील्ड में शिफ्ट कर देते हैं नेक्स्ट है प्रूनिंग फ्रूट क्वालिटी एंड ईल्ड आर इंक्रीज्ड विद प्रूनिंग इन वाटरमेलन रिटेनिंग थ्री टू फोर मेन शूट्स पर प्लांट पौधे की अगर वैसे तो ज्यादातर प्रूनिंग नहीं करते किसान नहीं करते तो इसलिए अगर प्रूनिंग की जाती है मतलब हर पौधे के ऊपर लगभग तीन से चार मेन मेन शूट छोड़ दिया जाए और दूसरों को हटा दिया जाए तो पौधे की उपज और उसकी जो क्वालिटी होती है फ्रूट की उसमें वृद्धि होती है वो बढ़ता है इसके अलावा थिनिंग भी की जाती है द फ्रूट थिनिंग इंक्रीज द साइज एंड क्वालिटी ऑफ फ्रूट नॉर्मल फो थ्री टू फोर फ्रूट पर इच वाइन शुड बी कीप इन ऑर्डर टू गेट गुड क्वालिटी फ्रूट हर बेल के ऊपर लगभग तीन से चार फल छोड़ दिए जाते हैं ठीक है अगर जितने ज़्यादा फल होंगे उतना उसकी क्वालिटी डिक्रीज होगी वेट कम होगा ठीक है जितने कम फल होंगे उतनी क्वालिटी ज़्यादा होगी फल का वेट ज़्यादा होगा तो इस हिसाब से तीन से चार फल हर बल जो बेल होती है उसके ऊपर छोड़ दिया जाते हैं और दूसरों को हटा दिया जाता है तोड़ दिया जाता है न्यूट्रिशन ये कह लो जहाँ ये कह लो कि खाद और उर्वरक जो भारत के कुछ बाग हैं जैसे पंजाब के अंदर 62 किलो पर हेक्टर नाइट्रोजन दिया जाता है 40 किलो पर हेक्टर पोटाश दिया जाता है और 40 किलो पर हेक्टर पोटाश दिया जाता है हरियाणा के अंदर 50 25 25 मध्य प्रदेश में 150 50, 50 और राजस्थान के अंदर 80 40 40 के पर हेक्टर एन दिया जाता है और ये सारे के सारे फर्टिलाइज़रों के साथ में लगभग 1200 से 1400 किलो ठीक है 12 से 14 टन पर हेक्टर गोबर की खाद दी जाती है जैसे ही लास्ट प्लोइंग की जाती है उसके साथ और उसके साथ ही कुछ जो जैसे फास्फोरस है पोटाश है और नाइट्रोजन की आधी मात्रा भी उस टाइम खेत में डाल दी जाती है और जो रिमेनिंग डोज होती है नाइट्रोजन की जो 50 परसेंट बच जाती है उसको जैसे ही फर्स्ट ये कह लो कि पौधे उगे आते हैं उसके बाद तीस से पैंतीस दिन बाद या तीस से चालीस दिन बाद उसकी निराई गुड़ाई भी कर देते हैं पौधों के साथ मिट्टी भी चढ़ा दी जाती है और उसके साथ ही टॉप ड्रेसिंग के रूप में जो यूरिया है या फिर कोई फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र दिया जाता है वो दे देते हैं टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे देते हैं नेक्स्ट है इरिगेशन सिंचाई Watermelon require रिक्वायर मोर फ्रिक्वेंट in इन समर टू स्प्रिंग स्प्रिंग क्रॉप जो uh, सिंचाई की आवश्यकता होती है यह कह लो कि वाटर मेलन की, की ज़्यादा होती है वाटर मेलन को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है पर यह पानी के अंदर खड़ा नहीं रह सकता ये नहीं कह सकते कि इसका खेत हमेशा पानी से भरा रहे ठीक है तो जो समर और गर्मी और बसंत मौसम की फसल होती है उसमें सिंचाई इसको थोड़े थोड़े अंतराल पर करनी चाहिए लगभग तीन से चार दिन ज तीन से पाँच दिनों के अंतराल पर इसको सिंचाई की आवश्यकता होती है और अगर रेनी सीजन है और बरसात अच्छी डिस्ट्रीब्यूटेड है जैसे साउथ इंडिया के अंदर रहती है मतलब लगभग बरसात होती रहती है दूसरे या तीसरे दिन तो वहाँ सिंचाई की आवश्यकता नहीं रहती वीडिंग फॉर सक्सेसफुल ग्रोविंग और वाटर मेलन प्लॉट की फ्री फ्रॉम वीड्स अच्छे जो वाटर मेलन की कल्टिवेशन करते हैं वहाँ जो खेत होता है उसको वीट से फ्री रखा जाता है इनिशियल स्टेज के अंदर तो ठीक है बाद वाली स्टेज में हो सकता है कि आप उसको रखना चाहो तो कई बार वो कुशनिंग का काम भी करता है जो फल होता है उसको कुशनिंग की तरह काम भी करता है ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉप बैड रिज एक्से नीड टू बी कीप वीट फ्रॉम हर्बी साइड्स भी इसमें यूज किए जाते हैं जो वीट की ग्रोथ को रिड्यूस करते हैं जैसे सीमाजीन है ब्यूटाक्लोर है डाइक्लोरोमेट है बहुत से प्री इमरजेंस जो बुआ, बुआई के बाद पर उगने से पूर्व डाले जाते हैं ठीक है सोइंग के मतलब सोइंग तो कर देते हैं उससे सोइंग के बाद ये डाले जाते हैं और पर जर्मिनेट नहीं हुआ होना चाहिए बीज अभी उससे पहले इसके बाद है यूज़ ऑफ़ ग्रोथ रेगुलेटर्स बहुत से ग्रोथ रेगुलेटर हैं जिनका उपयोग इसकी फ्रूट की क्वालिटी को भी बढ़ाता है फ्रूट की सेटिंग को भी बढ़ाता है और उपज को भी बढ़ाता है जैसे टिब्बा है ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव से टू हंड्रेड फिफ्टी है जिब्रेलिक एसिड 25 फाइव टू फिफ्टी पी इथेरल है 500 हंड्रेड पी पी एम ये भी इंक्रीज़ करता है ही मेलिक हैंड्राजाइड है 100 पी पी एम इसके अलावा नेपथलिक एसिडिक एसिड है एन ए टू हंड्रेड पी पी एम जिस सारे के सारे उपज को बढ़ाते हैं दिस केमिकल्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मस्ट बी अप्लाइड एट टू ट्रू लीव स्टेज रिपीटेड द स्प्रे एट फोर ट्रू लीव स्टेज मतलब लगभग जो पत्ते की दो पत्तियाँ निकले आती हैं तब उसके ऊपर एक तो स्प्रे करना चाहिए पहला स्प्रे फिर दूसरा स्प्रे रिपीटेड चार जब पत्तियाँ निकले आती हैं तब करना चाहिए ठीक है फिर हार्वेस्टिंग इन वाटर मेलन वेयर फ्रूट हैव टू बी पिक एट फुल मेच्योरिटी स्टेज रेडी टू बी कंज्यूम्ड एज डेजर्ट फ्रूट यूजली टेक फोर्टी टू फोर्टी फाइव डेज फ्रॉम एंथिस टू हार्वेस्टिंग, और नाइन्टी टू वन ट्वेंटी डेज फ्रॉम स्वमिंग टू हार्वेस्टिंग। जो वाटर मेलन होता है फल है इसकी जो हारवेस्टिंग की जाती है अगर इसकी जो आ, पिकिंग के लिए इसको आ, ये कह लो कि डेजर्ट फ्रूट के रूप में जैसे पका हुआ खाते हैं अपने तो इसलिए की जाए तो ज़्यादातर इसके जो फल की हार्वेस्टिंग की जाती है वो 40 से 45 दिन बाद पुष्पन हुआ फूल लगे उसके लगभग 40 से 45 दिन बाद अगर इसकी हार्वेस्टिंग बुआई से देखी जाए तो 90 से 120 दिन बीस दिन बाद पक्कर तैयार हो जाती है तुड़ाई के लिए तो इसके जो मेचोरिटी इंडाइसिस है, वो अपने नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखेंगे तो उपज है इसकी जो जो एवरेज उपज है इसकी 200 टू 250 क्विंटल पर हेक्टर मिल जाती है जो जनरल इसकी लोकल किस्में उनसे और अगर संकर किस्मों की बात की जाए तो 300 क्विंटल पर हेक्टर इसकी उपज मिलती है नेक्स्ट है मेचोरिटी स्टैंडर्ड्स मेचोरिटी स्टैंडर्ड्स जो कह लो जहा कह लो कि क्या साइन होते हैं कि फल पक गया अपने कैसे मान लें कि वो पक गया तो क्या क्या वो सिम्टम शो करता है पौधा तो पहला तो है डल साउंड वेन द फ्रूट इज थम्प्ड इन कॉन्ट्रास्ट टू मेटेलिक साउंड मतलब जब उस फल को बजा कर देखा जाता है या जा उसको आ, टैप किया जाता है तो डल साउंड आती है उससे भारी आवाज़ आती है जबकि जो कच्चा फल होता है उससे एक मेटेलिक साउंड आती है ठीक है जैसे किसी लोहे की चीज़ या किसी मेटल वाली चीज़ को बजा रहे हो नेक्स्ट है ंग ऑफ टेंड्रिल एट द फ्रूट एक्सिल जो टेंड्रिल्स पाए जाते हैं जिस पिक्चर में आप देख रहे हो तो आ, मेरा जो पॉइंट है वहाँ शो कर रहा है मुझे लग रहा है इसको हिंदी में शायद तो ये सूख जाते हैं विदर हो जाते हैं जब ब्राउन कलर के हो जाते हैं जब फल पक जाता है तो ठीक है ये फल के साथ में पाए जाते हैं ग्राउंड स्पोर्ट वेअर द फ्रूट टच द ग्राउंड टर्निंग येलो और लाइटर इन कलर इन ग्रीन कलर्ड कल्टीवार जो ग्राउंड स्पॉट होता है जो फर्स्ट पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ये येलो कलर का हो जाता है जहाँ से वो जमीन के साथ टच में होता है यहाँ कह लो कि ये लाइट कलर का हो जाता है ठीक है जो ग्रीन कलर की कल्टीवार होती हैं गहरे कलर की होती हैं उनमें लाइट कलर का हो जाता है और पूरा मैच्योर होगा तो येलो कलर का हो जाएगा द टीएसएस अराउंड नाइन टू टेन परसेंट जो टी एस एस है टोटल सोलबल सॉलिड लगभग नौ से दस परसेंट जब डिग्री ब्रिक्स हो जाता है जब फल पका हुआ होता है जब उसको अगर मेजर किया जाए तो पके हुए फल का ठीक है थैंक यू